सनातन बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में दसवां अध्याय कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ाऊंगी। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, आप लोगों को मालूम ही होगा, इसके पहले कारक आप लोगों ने पढ़ चुका है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, इससे संबंधित आपको मैं कुछ बात कल बताई थी, आज फिर और कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। कर्ता कारक से संबंधित वाक्य किस प्रकार है, एतत वनम अस्ति, एतत का अर्थ होता है यह, वनम का अर्थ होता है वन, अस्ति का अर्थ है यह वन है, नदी वहती बहती है, नदी एक नदी है यहाँ पे, इसलिए बहती क्रिया भी एक वचन की लगी है, नदी बहती है, कोकिला मधुरम पूजती, कोयल मधुर आवाज में पूछती है, गजा सनई सनई चलन, गजा वो वचन है बहुत से हाथी, सनई सनई धीरे धीरे चलन की चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गजा है वो वचन का करता है, इसलिए चलन की क्रिया भी यहाँ पर वो वचन की लगी है। तो गजा सनई सनई चलन, हाथी धीरे धीरे चलते हैं, मीना तरन, मीना का होता है मछलियां तरन की तैरती है, मछलियां तैरती है, मृगा धावन हिरण दौड़ते हैं, मृगा यहाँ पे बहुवचन है इसलिए धावन की क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की लगी है। फिर से देखिए, एतत वनम अस्ति, यह वन है, नदी बहती है, कोकिला मधुरम पूजती, कोयल गजा सनई सनई चलंती, हाथी धीरे धीरे चलते हैं, मीना तरंती मछलियां तैरती हैं, मृगा धावंती हिरण दौड़ते हैं। अब आगे देखिए, चिराग प्रातः देवालयं गच्छति, चिराग प्रातः सुबह देवालयं मंदिर गच्छति जाता है, चिराग सुबह मंदिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे चिराग एक वचन का करता है इसलिए गच्छति यहाँ क्रिया भी एक वचन की लगी है। तत्र सः ईश्वरं नमति, तत्र वहां पर सः वह किसके लिए, सः का प्रयोग किया गया वह चिराग के लिए, तत्र वहां सः वह ईश्वरं नमति, ईश्वर को नमति नमस्कार करता है, वहां वह ईश्वर को नमस्कार करता है, अहम अपि ईश्वरं अर्चामि, अहम का होता है मैं, अपि का होता है भी, ईश्वरं ईश्वर अर्चामि अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं भी ईश्वर की पूजा करता हूँ। वयम क्रीडा क्षेत्रे क्रीडामः, वयम हम सब क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में क्रीडामः खेलते हैं, वयम यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की यहाँ पे लगी है। बच्चों फिर से देख लीजिए, इसका आप लोग हिंदी भावार्थ अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एतत वनम अस्ति, यह वन है, नदी बहती है, कोकिला मधुरम पूजति, कोयल मधुर आवाज में पूछती है, गजा सनई सनई चलंती, हाथी धीरे धीरे चलते हैं, मीना तरंती मछलियां तैरती है, मृगा धावंती हिरण दौड़ते हैं, चिराग प्रातः देवालयं गच्छति, चिराग सुबह मंदिर जाता है, तत्र सः ईश्वरं नमति, वहां वह ईश्वर को नमस्कार करता है, अहम् अपि ईश्वरं अर्चामि, मैं भी ईश्वर की पूजा करता हूँ अर्थात अर्चना करता हूँ, वयं क्रीडा क्षेत्रे क्रीडामः, वयं हम सब क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में क्रीडामः खेलते हैं, हम सब खेल के मैदान में खेलते हैं। बच्चों आप लोगों का दसवां अध्याय कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति समाप्त हो गया, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही।